हेलो एंड नमस्कार, मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट फिजिक्स बाय सुरेश कुमार में। ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स में हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म ये पढ़ रहे थे, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हम कर चुके हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म। और मैग्नेटिज्म में जो हम करने जा रहे हैं वो है अर्थ मैग्नेटिज्म। तो अर्थ मैग्नेटिज्म मतलब अर्थ का मैग्नेटिज्म, अर्थ के कारण मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट के अंदर, इस चैप्टर के अंदर। और इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर आता है अर्थ मैग्नेटिज्म, तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, अर्थ मैग्नेटिज्म यानी के अर्थ का मैग्नेटिज्म, कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म एंड द मैग्नेटिक एलिमेंट्स। मैग्नेटिक एलिमेंट्स कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं विच डिस्क्राइब्स द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी प्लेस ऑन अर्थ, तो इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको मेरी वीडियो सही लगती हैं, पसंद आ रही है, तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। ओके, तो चलिए हम आगे चलते हैं। अर्थ मैग्नेटिज्म, देखिए अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, अर्थ भी अपने आप में एक ह्यूज बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो मैं इसमें दो चीज़ें बताऊँगा कि इसके एविडेंस क्या है कि अर्थ खुद एक बार मैग्नेट होती है, इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। पहली बात तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसके क्या एविडेंसेस है मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, और वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस कारण है वो मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म। देखिए अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसका जो सबसे पहला एविडेंस है आप इसको समझिए कि जब आप किसी बार मैग्नेट को, व्हेन ए बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड एनीवेयर ऑन अर्थ सरफेस, जब किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं किसी धागे से, तो आपने देखा होगा इट ऑलवेज एडजस्ट इटसेल्फ अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को एडजस्ट करती है, हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करती है। तो ऐसा क्यों होता है, यदि हम उसको डिस्टर्ब करते हैं उसकी नॉर्थ साउथ इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन से, उसे थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, इस तरह से हमने इसको डिस्टर्ब किया, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन थी, हमने थोड़ा डिस्टर्ब किया उसको, तो हम क्या देखते हैं कि जैसे हम उसको छोड़ते हैं वो वापस उसी पोजिशन पे आ जाती है घूम के, यानी कि जिस पोजिशन में वो है उसको जब हमने लटकाया तो उसकी इक्विलिब्रियम पोजिशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन इतना है कि उसको अपना डिस्टर्ब करा थोड़ा सा और वापस वहीं आ जाती है, तो इसका मतलब वो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो मैग्नेटिक बार जो है, ये जो बार मैग्नेट है ये अपने आप में मैग्नेटिक डाइपोल है, और डाइपोल को जब आप किसी फील्ड में रखते हो तो वो रोटेट होकर अपने आप को फील्ड के अलोंग अलाइन कर लेता है, हमने पढ़ा है। और यदि हम उसको थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे तो वो घूम कर वापिस उसी पोजिशन में आ जाता है। तो ये तभी पॉसिबल होता है जब बार मैग्नेट किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखी हो। तब आप समझिए, बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया, उसे डिस्टर्ब किया, वापस उसी पोजीशन में आ रही है, इसका मतलब ये बार मैग्नेट किसी ना किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, तभी उसके ऊपर टॉर्क लगता है। ये ऐसे थी, उसको डिस्टर्ब किया तो घूम के वापिस वहीं आ रही है, इसका मतलब ये किसी ना किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है जो उसके ऊपर टॉर्क लगाता है और उसे वापिस इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन में ला रहे हैं। तो हमने आसपास देखा कि हमारे पास तो कोई मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है भी नहीं, इसका मतलब वो फील्ड किसका हो सकता है, अर्थ का खुद का मैग्नेटिक फील्ड है। दूसरा जो इसका एविडेंस है, दूसरा जो इसका प्रूफ है कि जब हम किसी बार मैग्नेट की फील्ड लाइन्स ड्रॉ करते हैं, जब हम किसी बार मैग्नेट की फील्ड लाइन्स को ड्रॉ करते हैं, फील्ड लाइन को ड्रॉ करेंगे ना, कि जैसे हमने कोई एक वो पेपर लिया, चार्ट लिया बड़ा सा, उसके ऊपर बार मैग्नेट को रखते हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखते हैं कंपास के हेल्प से, और फिर उसकी फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, तो फील्ड लाइंस ड्रॉ करते ही एक एक्सपेरिमेंट होता है, तो उसकी फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, तो फील्ड लाइंस का मतलब है बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, जहां तक फील्ड लाइंस होंगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। हम क्या देखते हैं कि बार मैग्नेट के फील्ड में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, जबकि उससे आगे फील्ड है लेकिन उसके फील्ड के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जिसे हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है
न्यूट्रल पॉइंट है उसमें मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, उससे आगे मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो न्यूट्रल पॉइंट क्यों आ रहा है, वहां पर फील्ड क्यों नहीं है। तो इसकी स्टडी करी तो पता चला कि इस पॉइंट पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, इसलिए यहाँ पे फील्ड कैंसिल हो जाता है, दैट्स व्हाई द न्यूट्रल पॉइंट इज देयर। तो एक प्रूफ ये हो गया कि हाँ भी बार मैग्नेट अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। तीसरा हम ये देख सकते हैं कि कोई भी मैग्नेटिक मटीरियल जैसे आयरन है, स्टील है, कोई भी मैग्नेटिक मटीरियल है, उसको जब हम किसी जगह पे किसी प्लेस पे अर्थ में गड्ढा खोद के एम्बेड कर दें, दबा दें, तो कुछ टाइम के बाद वो मैग्नेटाइज हो रही है वो चीज़, उसमें कुछ मैग्नेटिज्म आ जाता है। तो ये किस कारण है? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही है। तो ये कुछ एविडेंसेस हैं जो हमें ये बता रहे हैं कि हाँ भी अर्थ का भी अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब क्यों होता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, उसका कारण मैं बता रहा हूँ, वो आप समझ लीजिए। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्यों होता है, कैसा होता है, किस तरह का पैटर्न होता है, तो मैं बता रहा हूँ उसका। देखिए अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस कारण होता है कि अर्थ की आपने पता है कि जो जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं कोर, और कोर जो होती है अर्थ की, ये कोर है, उसमें मोल्टन स्टेट में मेटल होता है, मोल्टन स्टेट में मेटल होता है। अब मोल्टन स्टेट मतलब मेल्टेड पिघला हुआ मेटल है, तो कितना हाई टेम्परेचर होगा कोर का, और कितने हाई टेम्परेचर पे जिसपे सॉलिड यानी कि मेटल्स जो है वो मोल्टेड स्टेट में है, इसका मतलब वहां पे कितना हाई टेम्परेचर होगा, इस हाई टेम्परेचर पे आयंस तो मिलेंगे, आयंस होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, आयंस भी होंगे। तो जब अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है तो वो आयंस भी रोटेट करते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन भी रोटेट करते हैं, क्योंकि जब अर्थ रोटेट करती है तो जो कोर के अंदर आयंस हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो भी रोटेट करते हैं सर्कुलर पाथ में। अब सर्कुलर पाथ में जब आयंस और इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करेंगे तो करंट भी बनाएंगे, और वो करंट बना के एक सर्कुलर करंट लूप की तरह बिहेव करेंगे, किसकी तरह बिहेव करेंगे, एक ह्यूज सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल की तरह बिहेव करेंगे। तो जो अर्थ का कोर है वो एक ह्यूज करंट कैरिंग कॉइल की तरह बिहेव करेगा। आप समझे, अर्थ की कोर में मोल्टन स्टेट में एलिमेंट्स हैं, और इतने हाई टेम्परेचर पे आयंस और इलेक्ट्रॉन्स भी मिलेंगे फ्री, तो जब अर्थ रोटेट करती है तो वो आयंस और इलेक्ट्रॉन्स भी घूमते हैं जो कि करंट लूप बनाएंगे। और आपको ये पता ही है कि कोई भी करंट लूप एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो इसका मतलब जो अर्थ की कोर है वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। तो ये कारण है, कारण समझ गए आप। जैसे मून है, मून भी घूमता है अपने एक्सिस के अबाउट, मून में तो कोर नहीं है, कोर नहीं है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। और कई प्लैनेट्स का जैसे वीनस का, जुपिटर का, इनका मैग्नेटिक फील्ड अर्थ से भी ज्यादा है। ज्यादा क्यों है? क्योंकि उनका रेट ऑफ रोटेशन ज्यादा है, रेट ऑफ रोटेशन ज्यादा होगा, कोर है तो करंट भी ज्यादा बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह क्या रही? उसका रोटेशन। और इसका जो फील्ड होगा कुछ इस तरह से होगा कि ऐसा इमेजिन करेंगे जैसे ये मैग्नेटिक एक्स, ये मैग्नेट रखिए, ये ऐसा इमेजिन कर लो कि अर्थ के सेंटर पे एक बहुत बड़ी बार मैग्नेट रखी है जिसका नॉर्थ पोल NM मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ किधर होता है, जहां पे अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ, ज्योग्राफिकल साउथ जो आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बोलते हैं वो ज्योग्राफिकल होते हैं। तो जिधर ज्योग्राफिकल साउथ है उधर मैग्नेटिक नॉर्थ, और जिधर ज्योग्राफिकल नॉर्थ है उधर मैग्नेटिक साउथ होता है। लेकिन मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से, जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वहां से नॉर्मली निकलेंगी और किधर जाएंगी? मैग्नेटिक साउथ पे, मैग्नेटिक साउथ पे। इसका मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल किसकी तरह लग रहा है? एक बार मैग्नेट की तरह, एक बार मैग्नेट की तरह इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसकी वैल्यू हर पॉइंट पे अलग अलग होगी। नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड एकदम वर्टिकल, साउथ पोल पे एकदम वर्टिकल, बाकी जगह अलग अलग डायरेक्शंस होंगी। और मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस कोइंसाइड नहीं करते, ये अलग अलग होते हैं। तो ये मैंने पढ़ाया, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे मैग्नेटिक एलिमेंट्स के बारे में। थैंक यू।